कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और हमारी खास पेशकश शख्सियत में आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने युवा शक्ति को एक नई दिशा देने की कोशिश की, जिन्होंने अपनी मंजिलें खुद तय की और रास्ते भी खुद ही बनाए, जिन्होंने सदैव ही कुछ नया करने का प्रयत्न किया। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है सीताराम पोसवाल जी। सीताराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया के मंच पर। नमस्कार सीताराम जी, आपके बारे में बहुत कुछ सुना था तो सोच रही थी क्या पूछूं आपसे, तो सोचा यहीं से शुरुआत करते हैं, शुरुआत में लेकर चलते हैं, बचपन में जाना चाहेंगे। मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि किस तरह से आपका बचपन बीता। ये भी सुना है कि आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो किस तरह का बीता है आपका बचपन? नमस्कार शिखा जी, देखिए मेरा बचपन जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, मेरा बचपन एक नॉर्मल एक साधारण परिवार में ग्रामीण के अंदर, गांव के अंदर मेरा बचपन बीता है। और जिस प्रकार से बचपन में एक आम भारतीय नागरिकों का, बच्चों का जो बचपन होता है, उसी प्रकार मेरा भी बचपन एक जॉइंट परिवार, एक साधारण परिवार, गरीब परिवार, उसमें मेरा बचपन बीता है। और बचपन के अंदर जो शैतानियाँ होती है, जिस प्रकार से बच्चे शैतानियाँ करते हैं पढ़ाई में, तो उसी प्रकार मेरा भी बचपन एक नॉर्मल साधारण परिवार में ग्रामीण गांव के अंदर बीता है। अच्छा, ये भी सुना है कि जयपुर में वो प्रारंभिक कालखंड जो संघर्ष भरा रहा, कैसा रहा वो कालखंड? और ये भी जानकारी चाहेंगे कि उस दौरान क्या मजबूती आपको मिलती रही जो आप शुरुआत से लेकर अब तक एक बिजनेस टाइकून तक बन गए। देखिए, शुरुआत जब हमने की तो हम जब जयपुर आए तो जयपुर की शुरुआत, हमारी शुरुआत, हमारी प्रोग्रेस की शुरुआत हमने एक सड़कों से की। जब हम जयपुर के अंदर आए तो जयपुर के अंदर हमने कई महीनों तक सड़क के ऊपर सोकर रातें काट कर और यहाँ से शुरुआत की। बाद में हमने कई जगह नौकरी की और नौकरी करते करते हमने कई नौकरियां हमने चेंज की, कई नौकरियां बदली। उसके बाद में धीरे धीरे हमने कहीं से पैसे उधार लेकर हमने हमारा पर्सनल बिजनेस चालू किया। और आज की हालत ये है कि हमारा एक पीजी फाउंडेशन कई देशों में और भारत के अंदर कई मल्टीपल कंपनियों में काम कर रहा है, जैसे कि रियल इस्टेट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, अपना ऑटोमोबाइल्स हो गया, काफी सारे वर्क आईटी कंपनी हो गई। तो इस प्रकार हमारा बिजनेस आज पीजी फाउंडेशन कई कंपनियों में काम कर रहा है। अच्छा सीताराम जी, उस स्तर से लेकर राजनीति में आने तक का मन कैसे बनाया? क्या आपने सोचा कि पहले धन कमाना है और फिर शोहरत कमानी है, क्या ये सोच थी आपकी? ऐसा नहीं है, राजनीति में आने का हमारा धार्मिक कार्य करने का मन हमारा शुरू से ही है और हम शुरू से धार्मिक प्रवृत्ति के काम करते रहते हैं। राजनीतिक में आने के लिए हमने सोचा है कि राजनीति कोई जिम्मेदारी मुझे मिलती है तो मैं जो सेवा लोगों के लिए करता रहता हूँ तो उन सेवा को मैं और भी बड़े स्तर पे कर पाऊँ, काफ़ी ग्रामीण तक, लोगों तक, हर तरह के लोगों तक मैं सेवा कर पाऊँ। इसके लिए मुझे कोई ना कोई राजनीतिक पद की लिए, मैं राजनीतिक जिम्मेदारी के लिए राजनीति में आया हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि पद और शोहरत के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। पद शोहरत तो मुझे जिस प्रकार से मैं जहाँ तक पहुँच चुका हूँ उस प्रकार मेरे को आज पद और इज्जत ये सब भगवान की दया से मेरे लोगों के द्वारा मेरे को बहुत अच्छी इज्जत और सब कुछ मिल रही है। लेकिन मैं राजनीति में आने का मेरा उद्देश्य एक ही है कि मैं जितना हो सके उतना लोगों की सेवा करूं। अच्छा लगा सीताराम जी जान के कि राजनीति में कोई वाकई में सेवा करने के लिए भी आना चाहता है और आप बड़े ही उत्तम विचार भी रखते हैं इसको लेकर के। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या राजनीति में आपका कोई आदर्श है? जी बिल्कुल, जब हम बचपन में पढ़ते थे, बचपन में थे, तब हम अटल जी को हमारा आदर्श मानते थे। और अभी जो इस युग के अंदर, अभी प्रेजेंट में अगर हम किसी को आदर्श मानते हैं तो मोदी जी हैं। मोदी जी को हम आदर्श मानते हैं, हमारे लिए वो बहुत ही प्रेरणादायक है। और जिस प्रकार से अपने भारत देश को उन्होंने जिस स्तर पे पहुंचाया है, जहां आज दूसरे देशों में भारत की इज्जत हुई है, क्योंकि मैं कई देशों में जाता रहता हूं, तो जिस प्रकार अभी वहां के अपने भारतीय पासपोर्ट को जिस प्रकार से वहां लोग देखते हैं, इतना अच्छा पहले नहीं देखते थे।
और भी काफी सारे उदाहरण है। अगर भारत की बात करें तो धारा 370 है, राम मंदिर है, अपना भारत देश विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, होने जा रहा है। कोई भी देश अपने भारत देश के ऊपर अपनी आंख उठा के देखने के लिए 10 बार सोचता है, तो ये मोदी जी के समय में ऐसा संभव हो पाया है। तो इसलिए अभी हम मोदी जी को हमारा आदर्श मानते हैं और उनके विचारों पर चलते हैं। यानी कि आप मोदी जी की स्किल इंडिया की विचारधारा को भी आगे बढ़ाने की सोच ही है आपने? हाँ बिल्कुल, हम मोदी जी की जो स्किल विचारधारा है कि यहाँ प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक युवा, प्रत्येक जवान आत्मनिर्भर बने, अपना स्वयं का रोजगार हो, लोगों को रोजगार दे, इस प्रकार जो मोदी जी का जो सपना है कि यहाँ पे सरकारी नौकरी तो कहाँ तक, कितनी असंभव चीज है, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक युवाओं को, प्रत्येक जवानों को, प्रत्येक जो बेरोजगार युवा है वो अपने अपने स्तर पे अपने बिजनेस व्यापार शुरू करें, ऐसी उनकी सोच है। अच्छा सीताराम जी, क्योंकि हम राजनीति की बात कर रहे हैं तो राजनीति में तो दो पक्ष हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि विपक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप नहीं लगते हों, और फिर कभी कभी कभार सच्चाई भी होती है उनमें। तो आप अगर कोई किस्सा शेयर करना चाहें अपना, जब आप पर किसी ने इस तरह का कोई आरोप लगाया हो। देखिए राजनीति में अब आए हैं, पहले तो हमारे ऊपर लगाते नहीं थे किसी प्रकार का आरोप, और जब किसी राजनीति में आप अगर नहीं आते हो तो आपके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन जब राजनीति में आप आते हो तो आपके ऊपर कई सारे आरोप लगाते हैं। मेरे ऊपर भी ऐसा कोई आरोप नहीं है जो लोग बाग लगाते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम फुल फ्लेश राजनीति में नहीं आए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी जब प्रयास कर रहे हैं तब इतना जरूर हमें आया है कि इस जगह पहुंचने के लिए लोग बाग आरोप लगाते हैं, इतना कम समय में इतना पैसे वाला कैसे बन सकता है, ये जरूर हमें कभी कभी सुनने को मिलता है, और बाकी किसी प्रकार के और आरोप नहीं है। और ये आरोप मेरे ख्याल से अभी के युग के अंदर, जिस प्रकार से अभी इस युग में और इतने कम समय में पैसा कमाना आजकल नॉर्मल बात है, और अगर आप देखेंगे तो गूगल के ऊपर भी आप सर्च करेंगे तो मेरे से भी कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग बन चुके हैं। बायजूस का उदाहरण है और भी कई उदाहरण आप गूगल में देखेंगे तो मैं तो उनके सामने एक बालक हूँ, ठीक है, मैं तो उनके सामने एक तुच्छ छोटा सा वो हूँ, तो ऐसा नहीं है। और आप पूछेंगे तो आगे हम बताएंगे, या हमें इस चीज़ पर कोई वो नहीं है। यानी किसी तरह राम जी, आपकी बातों से लगता है कि सफलता को लेकर थोड़े बहुत ताने जरूर आपको मिले। अच्छा अगला जो मेरा सवाल है आपसे वो, क्योंकि आजकल देखा गया है कई नेता धन बल का प्रयोग भी राजनीति में होने लगा है, तो धन बल के प्रयोग के आगे आगे बढ़ते हैं, आपका क्या विचार है इस बारे में? देखिए धन बल से कोई राजनीति नहीं होती है, ऐसा मैं नहीं मानता कि धन बल से कोई राजनीति होती है। राजनीति धन बल से होती तो बहुत सारे पैसे वाले और बहुत सारे लोग हैं जो धन बल के प्रति पूरा राज कर चुके होते, ठीक है, तो धन बल राजनीति में नहीं होता है। यहाँ पे आपको जनता जनार्दन होती है, जनता के अंदर आपको बिना धन बल आपकी सेवा करनी होती है। आज मोदी जी हैं तो उनके पास क्या ही का धन बल है, वो एक चाय बनाने वाला इंसान आज प्रधानमंत्री बन सकता है, तो धन बल का कोई इसमें कोई बात नहीं कर सकते हम, और धन बल से राजनीति भी नहीं होती है। और मैं जिस प्रकार से देख रहा हूँ तो धन बल से लोगों को अच्छा नहीं लगता है। हम मानते हैं कुछ लोग बाग जो इस प्रकार करते हैं, मेरी ऐसी विचारधारा नहीं है कि धन बल के तरीके से मैं राजनीति करूँ। मुझे एक आम जनता में एक साधारण इंसान बन के, एक साधारण भाई बन के, साधारण युवाओं में अपना दोस्त बन के और वैसी राजनीति करनी है। अच्छा एक बार के लिए मान लेते हैं सीताराम जी कि आप विधायक बन गए, अब आगे क्या, विधानसभा क्षेत्र के लिए कौन से कार्य करना चाहते हैं, लक्ष्य क्या रहेगा आपका? देखिए मैं जिस प्रकार मेरी सोच है आज युवाओं में, जवानों में, जिस प्रकार आज का युग है, ठीक है, तो उस प्रकार की सोच मैं मेरे ऊपर लेके देखता हूँ, ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि मैं ने जब शुरुआत की, व्यापार किया, बिजनेस किया, तो मुझे कोई ना कोई मुझे बताने वाला, मुझे शिक्षा बताने वाला, मुझे राय देने वाला अगर कोई और मिल जाता तो शायद मैं और भी अच्छी तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से ये सब होता। लेकिन मेरा जो मानना है कि मैं मेरी विधानसभा के अंदर, जिस विधानसभा से मैं तैयारी कर रहा हूँ, उनियारा देवली विधानसभा, तो उनियारा देवली विधानसभा के अंदर मैंने जिस प्रकार वहाँ देखा है, पिछले काफ़ी सालों से मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ देख रहा हूँ, वहाँ की जनता से बातचीत करता हूँ, जवानों से बातचीत करता हूं, तो उसमें ऐसा नजर आ रहा है कि उनको कोई राय देने वाला, अच्छी शिक्षा देने वाला ऐसा कोई भी नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत पीछे हैं विधानसभा, तो मेरा सबसे पहले जो एक अपनी विधानसभा के लिए जो करना होगा वो शिक्षा सबसे पहले है, कि वहाँ के प्रत्येक युवा शिक्षित हो,
दूसरा वहाँ रोजगार के लिए इतना पिछड़ापन है कि मैं ऐसा कुछ करूँ मेरी मेरी संस्था के द्वारा या मेरी ऐसी टीम के द्वारा ऐसा कुछ हो कि उस विधानसभा के अंदर ऐसे रोजगार के ऐसे काफ़ी सारे बिजनेस के ऐसे स्रोत हो कि वहाँ बहुत सारे लोग जो बेरोजगार युवा हैं वो सबसे पहले वहाँ पर रोजगार हो। दूसरा आत्मनिर्भर युवा बने कि मैं वहाँ पे काफ़ी सारे युवाओं को ऐसा आत्मनिर्भर बना सकूं कि वो युवा वहाँ पे खुद तो पैसा कमाए खुद तो व्यापार करे लेकिन साथ में 10 युवाओं को और रोजगार दे तो उससे वहाँ की जो विधानसभा है उसके अंदर बेरोजगारी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। दूसरा जो है वहाँ पे गृहणियाँ हैं माता बहनें हैं तो उनके लिए ऐसा कुछ सोचना हो कि वहाँ की माता बहनों को घर पे रह के और वो कुछ बिजनेस करके कुछ पैसा वहाँ से कमाए ताकि उनको बेरोजगारी की इस प्रकार नहीं देखना पड़े और वो आसानी से अपना घर का खर्चा आसानी से चला सके। तीसरी चीज़ वहाँ पे जो है गौ माता के लिए है, वहाँ पे गौ माता बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको कोई उनकी सुन नहीं रहा है, उनकी आजकल उनको खोल देते हैं, उनका लोग बाग उनको बांधते नहीं हैं तो उससे ऐसा रहता है कि वहाँ की गौ माता बहुत ज़्यादा दुखी है। काट मैं देखा हूँ कि भूखी मरती रहती है, कटी हुई रहती है, लोग बाग काट देते हैं और रोड पे सड़क पे पड़ी रहती है तो वहाँ पे उन गौ माता के लिए ऐसा कुछ प्लान किया जाए कि उनको प्रत्येक आदमी उन गौ माता के लिए काम करे और गौ माता की सेवा कर पाए इसके लिए। और बाकी जो नॉर्मल काम है बिजली है लाइट है पानी है रोड है सड़क है ये सब जो नॉर्मल होता है उनके लिए तो हम काम करेंगे लेकिन विशेष काम हम वहाँ की बेरोजगारी और वहाँ के जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाना वहाँ के लोगों को बिजनेसमैन बनाना इन पे हम विशेष फोकस करेंगे। शख्सियत में हमारे साथ बने हुए हैं सीताराम पोसवाल, आगे भी इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। शख्सियत में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सीताराम पोसवाल जी, बातों का सिलसिला जारी है। सीताराम पोसवाल जी, आपसे जब मैंने सवाल किया था विधानसभा चुनाव को लेकर तो आपने बताया था कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं कि सबसे बड़ी बात ये तो बताइए कि कहां से दावेदारी करने वाले हैं आप टिकट को लेकर। देखिए शिखा जी, अभी जो जहां पे हम पिछले काफी सालों से काम कर रहे हैं वो हमारी क्रमभूमि है, वो विधानसभा है देवली उनियारा, वहां से हम दावेदारी कर रहे हैं और वहाँ की जनता में ही हम काम करते हैं, वहाँ की जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर आपको सिंबल नहीं मिलता तो फिर आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए अगर हमें पार्टी सिंबल नहीं देती है तो हम ऐसा नहीं है कि पार्टी के साथ गद्दारी करेंगे, ठीक है, पार्टी की विचारधाराओं के लोग हैं तो हम अभी पार्टी मौका नहीं देगी तो हमें बाद में कभी मौका मिलेगा। हम सेवा कर रहे हैं, बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं, आगे भी हम सेवा करते रहेंगे, चाहे पार्टी सिंबल दें ना दें, हमारा काम सेवा करने का है। अगर पार्टी सिंबल देती है, हमें इस लायक समझती है कि हम सेवा करें लोगों की, तो हम जरूर वहां पे चुनाव लड़ेंगे और वहां की जनता के लिए सेवा करने के कार्य करेंगे। अच्छा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है इसलिए मैं सोशल मीडिया पर थोड़ा जानना चाहूंगी, उसको लेकर के आपकी क्या तैयारी है, सोशल मीडिया पर कैसे युवाओं को जोड़ा जाएगा, क्या आप एक्टिव हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर? जी, सोशल मीडिया आज के समय में सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है और आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ही बहुत सारे लोगों के हैं तो बिल्कुल हमारे भी सोशल मीडिया पे हम एक्टिव हैं और काफ़ी सारे जवान काफ़ी सारे युवा हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, हमें अपना फॉलोअर्स मानते हैं, हमें प्रेरणा मानते हैं, हमारे साथ डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया पे करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल चीज़ों को या हमारी जो भावनाएं हैं हमारे जो कार्य हैं उनको लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचाया जा सकता है तो इसके लिए सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है तो हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और बहुत अच्छे से हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना हुआ है। सीताराम जी, आप तो खुद एक युवा हैं लेकिन युवा आजकल राजनीति में आने से क्यों कतरा रहा है, आपकी क्या सोच रही है, किस तरह से युवाओं को आगे लाया जा सकता है? बीजेपी तो खुद युवाओं को मौका देने की बात करती है। देखिए युवा आजकल काफ़ी सारे युवा बहुत सारे गलत कार्यों में भी युवा जा रहे हैं, उनको एक मार्गदर्शन करने की ज़रूरत है। बहुत सारे युवा जो हैं नशे की दौड़ में चल रहे हैं, बहुत सारे युवा गैंगस्टर की दौड़ों में चल रहे हैं, ठीक है, तो उनको एक उनको सही राय मार्गदर्शन करने वाला की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं, युवा भी राजनीति में बहुत इंटरेस्टेड है,
युवा राजनीति में आ रहे हैं आजकल के युवा, और भारतीय जनता पार्टी तो युवाओं को बहुत मौका दे रही है, और युवा ही इस देश की बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि युवाओं के अंदर जो काम करने की जो काबिलियत होती है, काम करने का जो जुनून होता है, जो उनके अंदर एक लक्ष्य होता है, वो युवाओं के अंदर बहुत फुर्ती होती है। इन चीज़ों में काम को लेके वो डेडिकेटेड होते हैं और उनको थकान नहीं होती है, हार नहीं होती है, तो इसलिए युवाओं को बहुत ज़्यादा और आगे के लिए वो सोचते हैं। तो युवाओं की सोच भी अभी अलग है, तो इसलिए युवाओं को मैं चाहता हूं कि पार्टी भी युवाओं को मौका दे, और युवाओं से भी कहना चाहूंगा कि वो राजनीति में आगे आए और अच्छी विचारधारा के साथ पार्टी में काम करें, लोगों के लिए सेवा का मार्गदर्शन बने। सीताराम जी, क्योंकि लगातार आप बीजेपी से टिकट की दावेदारी भी जता रहे हैं, ऐसे में पीएम मोदी जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में माने जाते हैं, एक आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आपकी क्या सोच है आत्मनिर्भर भारत को लेकर? देखिए, 100% हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी, वो देश के क्या वो वर्ल्ड के टॉप नेता है, ठीक है। उनको देखा जाए तो मतलब उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि हम कितना उनके बारे में बोल सकते हैं। आज इस देश में, भारत देश में, दूसरे देशों में, जहां जिस किसी टाइम पे हमने सुना है कि किसी टाइम पे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को एक वीज़ा नहीं मिला था अमेरिका में, वहां के उस देश के प्रधानमंत्री, उस देश के राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को लेने के लिए आ रहे हैं, तो हमारे पास शब्द नहीं है कि कितना बोले उनके लिए, ठीक है। और वो जिस प्रकार से उनकी सोच है यहाँ पे आत्मनिर्भर देश के अंदर प्रत्येक युवा हो, ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर आत्मनिर्भर युवा बन जाएंगे, अपने आप में वो एक ये समझने लग जाएंगे कि मैं 10 युवाओं को रोजगार दूंगा, तो इस देश में बेरोजगारी बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। और जिस प्रकार से यहाँ बेरोजगारी को लेके जो करप्शन हो रहे हैं, जो लूटपाट हो रही है, वो सब बंद हो जाएगी। उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, और उसके अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 100% आत्मनिर्भर भारत बना देंगे, ताकि यहाँ लोगों को और युवाओं को आसानी रहे। सीताराम जी, क्योंकि आपका विजन तो एकदम क्लियर है कि आपको अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या करना है, लेकिन इसी बीच आपको कहीं दूर दराज कोई चुनौती दिख रही है? देखिए, अभी दूर दराज कोई चुनौती मुझे इस प्रकार नहीं लग रही कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इनको कोई चुनौती देंगे, और जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर हालत हो रही है, बेरोजगारी, किसानों का, महिलाओं के अत्याचार, तो उस प्रकार उन सब को देखते हुए यहाँ की प्रदेश की जो जनता है, उन्होंने मन बना लिया है कि अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, और आने के बाद वो यहाँ पे जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, महिलाओं के पीड़ित हो रही है, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, बच्चियों के साथ भट्टियों में जलाया जा रहा है, बहुत सारी हालत डेली की होती है, वो तो देखते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई चुनौतीपूर्ण मुझे कोई आगे दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे सामने कोई चुनौतीपूर्ण आएगा। सीताराम जी, क्योंकि आप लगातार बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन महिला का नाम आपने लिया, क्योंकि इसलिए मैं महिलाओं को लेकर के आपसे सवाल करूंगी, महिलाओं को लेकर आपकी क्या तैयारी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी, अगर आप विधायक बनते हैं तो उनके लिए क्या कार्य किए जाएंगे, ताकि हर एक महिला भी इसी कड़ी में आत्मनिर्भर बन सके, बेखौफ होकर सड़कों पर घूम सके, क्या आपके प्रयास रहेंगे? देखिए, महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के लिए अपने आजकल जो महिलाएं हैं वो अपने आप में सेफ फील नहीं करती है कि वो सड़कों पे जा नहीं सकती, रात बरात शाम सुबह अकेली नहीं जा सकती, इनका है कि यहाँ जिस प्रकार की घटनाएं ये हो रही है, तो इन सब को देखते हुए महिलाओं को डर लगता रहता है, ठीक है। तो अगर हम सत्ता में आते हैं, हमारी ये आती है, तो महिलाओं अपने आप में, महिलाओं को इतना कॉन्फिडेंस हो, इतना महिला अपने आप में निडर होके आगे जाए, इनके लिए हम उनके लिए जो एक पुलिस से लेके और उनके लिए एक अलग से ही किसी प्रकार की कोई वो बने, ताकि हम महिला उसको फॉलो करते हुए और आराम से अकेली घूम सके, उसके प्रति उनके डर उनके अंदर से खत्म हो जाए। आपसे मिलकर के और सहजता से आपने बातचीत की, उसके लिए बहुत अच्छा लगा। राजनीति के लिए भी आप बहुत अच्छे विचार रखते हैं, तो युवाओं को क्या सीखना चाहिए सीताराम पोसवाल से, एक संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को अपने ऊपर एक आत्मनिर्भर बन के रहना चाहिए, आत्मविश्वास बन के रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और जब भी कोई भी मौका मिलता है उनके दरवाजे पे, कभी भी सफलता आ सकती है, तो उनको सफलताओं को मौका एक भांपने का उनके पास तुरंत समाधान होना चाहिए। ये मैं युवाओं को संदेश देता हूँ कि आप
आपके लक्ष्य के प्रति, आपके जो पागलपन है, आपका जो लक्ष्य आपने बनाया है उसके प्रति आपको पागलपन होना है और उसके प्रति काम करना है। आपकी नीयत साफ रखनी है, आप आगे बढ़ते जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और युवाओं के में एक शहर ने भी कहा है और मैं भी युवाओं को बोलना चाहूँगा कि मुसीबतों से ही निकलती है शख्सियत यारो, मुसीबतों से ही निकलती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से न उलझे वो झरना ही किस काम का। इसके साथ ही मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे समय दिया और मेरे को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रदेश के युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, राम राम सा। बिल्कुल सीताराम जी, आपसे बातचीत करके हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला आपके बारे में, दर्शकों को भी हमारे आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहते हैं ना कि खुली आंखों से सपने के लिए खुद को मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ता है, और अगर लक्ष्य तय हो और अगर खुद पर विश्वास हो तो फिर कोई भी चुनौती आपको नहीं रोक सकती। ये थे हमारे साथ सीताराम पोसवाल, लेकिन अगली कड़ी में किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।